राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि क्या साइन हम देखने के बाद बता सकते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है। रोमन मेडिकल राइटर सेल्सस फर्स्ट सेंचुरी एडी डिस्क्राइब्ड फेमस फोर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो एक रोमन मेडिकल राइटर थे सेल्सस, ऑलस कॉर्नेलियस सेल्सस, फर्स्ट सेंचुरी एडी में उन्होंने डिस्क्राइब किया था चार कार्डिनल साइंस, यानी कार्डिनल मीन्स इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। कार्डिनल रिलेटेड, हम हार्ट से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको कार्डियक यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट है हमारी पूरी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो वैसे ही कार्डिनल इज रिप्रेजेंटेटिंग अ इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। एज कौन सी चार साइन इन्होंने दी थी? र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर। सो इसको याद रखने के लिए ये चार नाम किसने दिए थे? सेल्सस ने। तो ऋतु की शादी है, उसने दिया कार्ड, तो ऋतु कार्ड। ओके, कैसे? र्यू र्यूमर, टू ट्यूमर कार्ड से कैलर एंड डी फॉर डॉलर। सो र्यूबर से होगा रेडनेस, ट्यूमर से होगा स्वेलिंग, कैलर से होगा हीट, डॉलर से होगा पेन। डॉलर से आप पेन ऐसे याद रख सकते हो, देखो कैलर तो कैलोरी से आपको पता चल जाता है हीट, ट्यूमर से आपको स्वेलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, ट्यूमर से रेडनेस का, डॉलर जब पैसे नहीं होते कितना दर्द होता है वैसे ही डॉलर पेन। फंक्शियोलेजिया मीन्स लॉज ऑफ फंक्शन, ये ऐड किया था गैलेन ने, वो जो हिपोक्रेट्स के एक प्यूपल थे। मतलब टोटल पांच साइंस है इन्फ्लामेशन की। कौन सी? सबसे पहले चार इन्वेंट की थी सेल्सस ने, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर। र्यूबर मतलब रेडनेस, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, डॉलर मतलब पेन एंड कैलर मतलब हीट। नाउ फंक्शियोलेशिया मीन्स लॉज ऑफ फंक्शन वॉज एडेड लेटर बाई गैलेन एज अ प्यूपल ऑफ हिपोक्रेट्स। तो ये बात हुई साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन की। कौन सी पांच साइंस है? र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर एंड फंक्शियोलेशिया। सो नाउ अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या देखेंगे? सो डिपेंडिंग अपॉन होस्ट कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी होस्ट की क्या कैपेसिटी है और जो रिस्पॉन्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, उस पर डिपेंड करके हमने कुछ टाइप्स दो टाइप्स में डिवाइड किया है इन्फ्लेमेशन को। पहला है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी फर्दर टू टाइप्स, स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नाउ अब डिटेल में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में पहले एक्यूट और क्रॉनिक को देख लेते हैं, फिर इन डिटेल जाएंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स से कम तक अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो यू कैन टेल दैट कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रिएक्शन, हमारी बॉडी का जो अर्ली बॉडी रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिजॉल्व्स क्विकली, जितना जल्दी खत्म हो आता है उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है, एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। और इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन में यूजुअली इसके बाद हीलिंग हो जाती है। मेन फीचर्स, फर्स्ट होगा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। जो अफेक्टेड साइट है उसमें क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। हमने जो डेफिनेशन को याद करने के लिए जो एग्जांपल लिया था फांस वाला, कि आपकी हाथ में जो लकड़ी की फांस होती है वो लग गई है, तो अब सबसे पहले क्या होगा? थिंक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, लेस देन 2 वीक, मतलब 2 वीक से पहले पहले तो वो फास्ट निकल ही जाएगी। वो बॉडी का अर्ली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्विकली रिजॉल्व भी हो जाएगा और उसके बाद हीलिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब फास्ट लगी तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पर पानी भरने लगेगा, प्लाज्मा भरने लगेगा, फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। इंट्रावास्क्यूलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, फिर प्लेटलेट का इंट्रावास्क्यूलर एक्टिवेशन होगा। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लामेटरी सेल्स, और यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लामेशन जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगे वो कौन से होंगे?
पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, कौन से? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, एक बार फिर से, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स आर इन्फ्लेमेटरी सेल्स. समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मे बी क्वाइट सीवियर एंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज फुलमिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन. कभी कभी ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो थोड़ा सीरियस कंडीशन वाला होता है, तो हम उस कंडीशन में इसको फुलमिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं. सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन, लास्टिंग लेस देन 2 weeks, रिप्रेजेंट अर्ली बॉडी रिएक्शंस, रिजल्ट्स क्विकली एंड इज यूजुअली फॉलोड बाई हीलिंग. मेन फीचर्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, इंट्रावास्क्युलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स as an inflammatory cells, and sometimes acute inflammatory response may be quite severe and is termed as fulminant acute inflammation. Now ab dekhenge chronic inflammation. So longer duration, lasting more than 2 weeks, ye hai wo thoda longer duration ke liye hota hai. Lasting more than 2 weeks, occur after a delay, either when causative agent of acute inflammation persists for a long time or stimulation is such that it includes chronic inflammation from the beginning. So ये थोड़ा delay मतलब ज़्यादा time के लिए चलता है. इसमें दो वजह हो सकती है. सबसे पहले तो जो कॉजेटिव एजेंट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर परसिस्ट कर गया, वो निकल नहीं पाया वहाँ पर, तो वो कॉजेटिव एजेंट वहीं पर है, इसीलिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया है. और दूसरा है कि जो स्टिमुलस है वो पहले से ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर रहा है, अब दिखा रहा है कि अब यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने वाला है फ्रॉम द बिगनिंग. सो लॉन्गर ड्यूरेशन, लास्टिंग मोर देन 2 weeks, ऑकर आफ्टर अ डिले, आइदर वेन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम और स्टिम्युलेट्स इन सच दैट इट इंक्लूड्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फॉर द बिगनिंग. फिर है क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन, अ वेरिएंट फ्रॉम अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन है उसमें क्या है, ये एक वेरिएंट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का. देर आर एक्यूट एक्सर्सिवेशन, मीन्स एक्यूट एक्सर्सिवेशन मीन्स एक्यूट कंडीशन जहाँ पर वर्स हो जाती है, ऑफ द एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसीज. कोर्स ऑफ डिसीज के टाइम पर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, क्योंकि वहाँ की कंडीशन और भी पहले से वर्स हो जाती है. सो द एक्यूट एक्सर्सिवेशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोर्स of disease is known as chronic active inflammation. It is a variant of chronic inflammation. Now characteristic features of chronic inflammation mein kya hoga, presence of chronic inflammatory cells. Usme acute inflammatory cells mein kya tha, polymorphonuclear neutrophils the. Yahan par kaun se cells honge, such as lymphocytes, plasma cells, macrophage and granulation tissue formation, and in specific situation granulomatous inflammation. कौन कौन सी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि वहाँ पर अगर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हुए, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट हुए, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हुए, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन प्रेजेंट हुआ, इन स्पेसिफिक सिचुएशन ग्रेन्यूलोमेटस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हुआ तब. नाउ अब सबक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन, इन सम इंस्टेंस द स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इज टर्म्ड एज सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन. अगर कोई स्टेट है इन्फ्लेमेशन का जो लाइक करता है बिटवीन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो उन दोनों के बीच के स्टेज को हम बोलेंगे सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को कवर अप किया, तो कौन कौन से टाइप्स, क्रॉनिक, पहले सबसे पहले साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को देखा, जहाँ पर हमने देखा कि र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डोलर एंड लॉस ऑफ फंक्शियोलोसिया, जो भी आप बोलो वो लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 कार्डिनल साइंस है इन्फ्लेमेशन के. उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द होस्ट एंड टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसपे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक में फर्दर स्पेसिफिक में ग्रेन्यूलोमेटस, नॉन ग्रेन्यूलोमेटस. और फिर हमने देखा कि बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वगैरह वगैरह, उसमें बेसिकली सेल्स होंगे पॉलीमोर्फोन न्यूक्लियर न्यूट्रोसाइल्स. यहाँ पर सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन में सेल्स है वो कौन से होंगे, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेज, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, स्पेसिफिक सिचुएशन ग्रेन्यूलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन. जहाँ पर एक्यूट और क्रॉनिक के बीच वाली कंडीशन होती है वो सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सो यहाँ तक हमने देखा आज कार्डिनल साइंस एंड क्लासिफिकेशन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन या फिर रिकॉग्निशन ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।